डायलिसिस के दिनों में डाइट ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और मिसअंडरस्टूड चीज है, पर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट शुरुआती दिनों में बहुत सारे गलतियां करते और खुद को बहुत कमजोर बना लेते और अपनी जान गंवा बैठते। कुछ गलतियां मैंने भी की थी, पर मैं चाहता हूं आप वो गलती रिपीट ना करें। आज मैं आपको सारी चीजें पूरी डिटेल्स के साथ समझाऊंगा, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए। और हाँ, आज मैं आपको मजेदार स्नैक्स के बारे में भी बताऊंगा जो आप एकदम आसानी से बेफिक्र होकर खा सकते हो। मेरा नाम है मयूर चौधरी, मैं खुद एक किडनी पेशेंट था। मैंने 2 साल तक डायलिसिस किया है, उसी दौरान मैंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी आजमाया है, पर फिलहाल अभी मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। मुझे किडनी मेरे मम्मी ने डोनेट की है और हम दोनों भी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप स्टेज 2 स्टेज 3 की किडनी बीमारी से गुजरते तो डॉक्टर आपकी काफी सारी डाइट रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जैसे कि प्रोटीन्स हुए, कुछ फूड्स हुए, मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये बहुत सारी चीजें अवॉइड करता है। पर जब आप डायलिसिस पे आ जाते हो तो आपको आपका डाइट लिबरलाइज करना होता है। बहुत सारे पेशेंट्स यूट्यूब पर वीडियो देख के आपके डाइट को बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे 2-3 सब्जियां ही खा लेते हैं। यार ऐसी गलती मत करो, मतलब मैंने भी की थी शुरुआती दिनों में। अगर आप 2-3 सब्जी खाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डायलिसिस ये इतना स्मार्ट नहीं है जितनी आपकी किडनी है। मतलब अभी कैसे है, किडनी जब क्लीन करता है तो वो सिर्फ क्रिएटिन, पोटेशियम, फास्फोरस ये सारी चीजें बाहर निकालता है। पर जब आप डायलिसिस पे आ जाते हो, जब आप डायलिसिस मशीन्स पे आ जाते हो, तो वो डायलिसिस मशीन क्रिएटिन तो साफ करता ही है, पोटेशियम तो साफ करता ही है, फास्फोरस करेगा ही, पर उसके साथ में जो आपकी अच्छी चीजें जस्ट लाइक प्रोटीन्स हुए, जो आपके बॉडी को जरूरत है, वो सब कुछ बाहर फ्लश आउट कर देता है। तो जितना बाहर जाएगा उतना तो अपने बॉडी में चाहिए। 2-3 सब्जियां खाने से तो कुछ मिलने नहीं वाला, तो इसलिए हमें अभी डाइट को अपने लिबरलाइज करना होता है। प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है इसमें, डायलिसिस में तो नॉर्मल इंसान से ज्यादा हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि रोज 4 अंडे तो हमें डेली खाने चाहिए, डेली के बेसिस पे। तो आपको आपके डाइट में फिश भी इंक्लूड करना है, चिकन भी इंक्लूड करना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है, आपको एनर्जी चाहिए तो आपको प्रोटीन तो चाहिए ही। मैंने ये गलतियां की थी शुरुआती दिनों में, मैं स्ट्रिक्टली 2-3 सब्जियां खा लेता था, पर उससे मैं बहुत ज्यादा वीक हुआ था। नियरली मेरा वेट 20 से 25 केजी मेरा वेट नीचे आया था। मतलब मेरे बॉडी में ऐसे लगता था कि कुछ एनर्जी है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। पर जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने डाइटिशियन से बात किया, तो उसके बाद में मैंने अपने डाइट में चेंजेस किए और फिर मैं बहुत ज्यादा फिट हुआ। तो यही डाइट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको फिश और चिकन इंक्लूड करना है आपके डाइट में। आप मीट नहीं खा सकते हो, मतलब एक आध बार खाया मीट तो चलता है, पर आप डेली बेसिस पे नहीं खा सकते हो उसे। तो ये हुआ नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। और वेजिटेरियन लोगों के लिए तो पनीर है, सोयाबीन है, आप वो खा सकते हो, पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक चालू कर दो। देखो आपकी बीमारी है, आपके बॉडी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे जो डाइट रेस्ट्रिक्ट करके, मतलब जिन्होंने डाइट रेस्ट्रिक्ट किया था और बहुत ज्यादा कमजोर हुए थे और आज वो इस दुनिया में है नहीं। मतलब मेरे एज के भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं कि वो गुजर गए। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका डाइट लिबरलाइज कीजिए। आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। देखो पहले तो आपको सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है, सॉल्ट पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट करना है। कम नमक यूज करो, क्योंकि आप जितना सॉल्ट यूज करोगे उतना आपका बीपी बढ़ेगा, सोडियम बढ़ेगा, आपका पहले से ही किडनी डैमेज है। अगर बीपी बढ़ जाएगा तो वो बाकी सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करने के लिए देखेगा। जितना आप सॉल्ट लोगे पानी उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना पानी बढ़ेगा आपको उतना डायलिसिस की साइकिल से बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये ऐसे घूमता ही जाएगा। तो सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है। और जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनको इतना ख्याल रखना है कि आपको आपकी शुगर मेंटेन रखनी है।
ठीक है। और एक सबसे मेन चीज पोटेशियम और फास्फोरस वाले जो फूड है उनको थोड़ा कम मात्रा में ही लेना है। आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर आपको अवॉइड करना है। अभी मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूँ कि आप कौन से वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप उस हिसाब से बेफिक्र होके वो वेजिटेबल्स खा सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पत्ता गोभी हुआ, फ्लावर हुआ, भिंडी, टिंडे, करेला हुआ, फिर उसके बाद में कैप्सिकम, आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो, लौकी खा सकते हो, बीन्स, सारे बीन्स खा सकते हो, प्याज, जिंजर, गार्लिक, आप ये बेफिक्र होकर खा सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी सब्जियां है जो हमें अवॉइड करने हैं या कम मात्रा में खानी है। जैसे आलू हुआ, आलू में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, तो आपको खाना है तो आप वीकली एक बार खा सकते हो। पर इसके लिए भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा बाद में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी हुए, जैसे मेथी हुआ, पालक हुआ, ये आपको अवॉइड करना है। बीट रूट तो बिल्कुल नहीं खाना है। टमाटर जो है वो, टोमेटो अगर आपको खाना है तो अंदर के जो सीड्स होते हैं वो निकाल के आप यूज करके खा सकते हो, पर ये भी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में ही लेना है हमें। बैंगन अवॉइड करना है, ब्रोकली की सब्जी अवॉइड करनी है। अब मैं आता हूं, अगर आपका मन किया पोटैटो खाने का या पालक खाना है या मेथी खाना है, आप ये खा सकते हो। पर उसके लिए भी एक मैं आपको टिप देता हूं, ये सारी सब्जियां पहले पानी में अच्छी तरह से उबाल ले इसे, और जो पानी आता है उसमें से वो सारा फेंक दे, तो काफी मात्रा तक उसमें से पोटेशियम फास्फोरस जो अपने बॉडी के लिए सही नहीं होता है वो सारी चीजें निकल जाती है। पर उसमें होता तो है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ चीजें होती है, तो इसलिए हमें कम ही खाना है। मन करता है तो वीकली हम लोग एक बार खा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हमें कौन से सारे फ्रूट्स लेने हैं। एप्पल आप रोज खा सकते हो, एप्पल में कोई रोक टोक नहीं है। स्ट्रॉबेरी भी रोज खा सकते हो। पाइनएप्पल भी बहुत सही होता है अपने बॉडी के लिए। खरबूजा, मस्क मेलन, जैसे आप वाटरमेलन भी बोल सकते हो। ये वाटरमेलन और मस्क मेलन खाते टाइम आपको इतना याद रखना है, इतना ध्यान देना है कि इससे पानी नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कम क्वांटिटी में लेना ही आपको। और ये पेयर खा सकते हो। पेयर और एप्पल तो मैं रोज खाता था, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, मैं पेयर और एप्पल रोज खाता था। अब हमें देखता है कि कौन से फ्रूट्स हमें अवॉइड करने हैं। बनाना हमें अवॉइड करना है। अगर आपको खाने का मन किया तो वीकली आप आधा या एक खा सकते हो। आम नहीं खाना है बिल्कुल। ऑरेंज तो बिल्कुल खाना ही नहीं है क्योंकि उसमें साइट्रस पाया जाता है, साइट्रस फूड हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। ग्रेप्स तो पहले भी नहीं खाना है, मतलब डायलिसिस के दौरान भी नहीं खाना है, और अगर आपका ट्रांसप्लांट होता है तो ट्रांसप्लांट के बाद भी ग्रेप्स आपको पूरी तरह से अवॉइड करने होते हैं। अमरूद हुआ, कीवी हुआ, अनार, कोकोनट वाटर बिल्कुल नहीं, मतलब जो लोग घर में कुकिंग के टाइम पे भी कोकोनट यूज करते, आपके मसालों में कोकोनट जाता है, आपके सब्जियों में कोकोनट जाता है, तो कोकोनट बिल्कुल भी यूज ना करें। और जो कॉमन ऐसे कुछ फूड्स है जो हमें अवॉइड करना है, मतलब हमें जब खाना लेते हैं तब हमें अचार खाने की आदत होती है, पापड़ लेने की आदत होती है, तो ये चीजें आपको नहीं खाना चाहिए। मैदा और बेसन से क्या होगा कि ये सारी चीजें डाइजेशन के लिए मतलब बहुत हार्ड चली जाती है, तो हमें मैदा और बेसन भी अवॉइड करना है। और ये बाहर की चीजें रहे, जैसे सोया सॉस हुआ, टोमेटो केचप, सेजवन चटनी, ये तो अवॉइड ही करना है, मतलब प्रिजर्वेटिव फूड आप पूरी तरह से अवॉइड करो। फ्रूट जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना आपको। फ्रूट जूसेस में क्या होता है, अगर आप फ्रूट जूस लेने जाओगे तो उससे अच्छा एक फ्रूट खा लो ना। अगर आप एक एप्पल खा लेते हो तो वो सही होगा, अगर आप उसी जूस ले लेते हो तो पानी भी बढ़ जाएगा और वो एक एप्पल की जगह पे 2 से 3 एप्पल आपको लग जाएगा जूस बनाने में, तो ये दिक्कत होती है। और कोल्ड ड्रिंक्स तो पूरी तरह से आपको अवॉइड करने। तो ये कुछ चीजें जो आपको नहीं खानी है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, स्नैक्स। तो मैं घर में मखाना और डाइट वाले मुरमुरे एकदम टेस्टी तरीके से मैं बनाता था घर में, मेरी मम्मी मुझे बना कर देती थी, वो बहुत ही सही लगता था, एक इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। कभी मन किया मेरा तो मैं मूंग दाल जो आता है बाहर वाला, वो वीकली वन या वीकली वंस
या 2 हफ्ते में एक बार तो ऐसे खा लेता था मैं, मुझे सही लगता था वो खाने के लिए। पर ये जो डाइट मुरमुरा और जो मक्खन है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और ये हम लोग घर पे ही बनाते हैं। अगर चाहिए तो मैं आपको इसकी रेसिपी अगले वीडियो में बता दूंगा कि मैं कैसे बनाता था, कैसे खाता था। और ये सारी चीजें, मतलब मखाना और ये जो मुरमुरा है, मैं ये अभी भी खाता हूँ ट्रांसप्लांट के बाद, ये बहुत ज्यादा सही लगता है। और सबसे मेन चीज, अगर आपको कुछ खाने का मन किया एक्स्ट्रा, यार हम लोग इंसान है यार, हम लोगों का तो खाने का कुछ मन करेगा ही, ऐसे अलग चीज हुए, चटपटी चीज हुए, जब हम लोग बाहर चले जाते या किसी को देखते। आजकल YouTube इतना बढ़ गया है कि सारे खाने के ही वीडियोस आ जाते हैं इस पे, तो हमारा भी मन करता है कि कुछ बाहर का खा ले, जैसे समोसा हुआ, कचौरी हुआ, या कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड हुए। तो मैं जब मुझे ऐसा मन करता था तो मैं डायलिसिस के पहले खा लेता था। मतलब समझो आज मेरा डायलिसिस दोपहर में होना है, तो मैं सुबह में आज मुझे जो मन करता है वो मैं खा लेता था, क्योंकि वो डायलिसिस में उसी दौरान क्लीन हो जाता था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डायलिसिस के 3-4 घंटे पहले आप वो चीजें खाओ, क्योंकि उसे डाइजेस्ट होने में भी उतना टाइम चाहिए, 3-4 घंटे तो लगेगा ही उसे। तो ये सारी चीजें मैं खा लेता था। तो बस यही है आज के लिए डाइट के वीडियो में। तो अगला वीडियो में जरूर आपके लिए लेके आऊंगा कि मैं मखाना और डाइट वाले मुरमुरा कैसे बनाता था। मेरे मम्मी का एक चैनल भी है फूड वाला, वो एक डोनर है। तो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, घर से ही किडनी देने की सोच रहे, तो उनके लिए मेरे मम्मी एक सच में ज्यादा एक इंस्पिरेशन है। अब हमारे ट्रांसप्लांट, मतलब मेरे ट्रांसप्लांट को 7 महीना कंप्लीट हो चुका है और वो खुद का अपना कुकिंग चैनल चलाती है यूट्यूब पे। अगर आपको उसकी वीडियोस देखनी है, कि आपको देखना है कि डोनर की लाइफ कैसी होती है, तो वो देखना है, तो फिर मैं आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। डोनर एकदम फिट रहते हैं और रेसिपिएंट भी, मैं भी आप जैसे देख पा रहे हो, बाय द गॉड्स ग्रेस मैं भी पूरी तरह से फिट हूँ। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, मजेदार वीडियोस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैंने गलतियां की थी शुरुआती दिनों में, जो मैंने फेस किया था, वो कोई ना फेस करे। थैंक यू। और अगर कोई आपके पहचान वाले हो, कोई करीबी हो जो ये किडनी की बीमारियों से जूझ रहा है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में देख रहा है, सोच रहा है, तो जरूर मेरी ये वीडियो उन तक पहुंचाना, मेरा चैनल उन तक पहुंचाना, उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इस चैनल में मैं काफी सारे डॉक्टर्स को लेके आऊंगा, काफी सारे पेशेंट्स को लेके आऊंगा जो बहुत सालों सालों से डायलिसिस करते थे, अब उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, ट्रांसप्लांट को भी 4-4 5-5 साल हुए, वो कैसी अपनी जिंदगी जी रहे, कैसे फिट रहते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।